Okay, and today we are starting with our topic introduction of Euclid geometry. Up, the first word which comes in my mind is, what do we mean by geometry? आप सबको पता है, फिर भी एक बार, geometry is derived from two words, geo and metro. Greek words हैं बच्चे. Geo means earth in Greek, and metron का मतलब क्या होता है? Measurement. Means अर्थमेट मेजरमेंट, और उसको हम ड्राइव करके क्या बना देते हैं, वर्ड ज्योमेट्री. ओके, तो बेसिकली ज्योमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम दीज वर्ड्स, और हम उस ज्योमेट्री में क्या स्टडी करते हैं ये आप सबको पता है, फिर भी हम इसको आगे लेंगे. अब एक चीज और लिख देखिएगा बच्चे, ठीक, इस कंट्री के बारे में आप सबने सुना होगा. बेसिकली मैं एंशियंट हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से शुरू करूंगा, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है. इसमें बहुत सारी चीजें हिस्टोरिकल हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक. हमारे पास इजिप्ट में मैथमेटिक्स के लिए डेवलपमेंट शुरू हुई, ठीक, आर्ट और ज्योमेट्री को मिला के, ठीक. फिर कुछ बेबीलोनियन वर्क स्पेस हुआ, ठीक. अब उसमें क्या स्पेस था बच्चे, कि जो आपकी प्लेन फिगर्स होती, कुछ भी हुई, हाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट प्लेन फिगर्स. ओके, तो हमने उन प्लेन फिगर्स का क्या फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, या कोशिश की, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ प्लेन फिगर, ठीक. अराउंड 300 BC ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता बच्चे. हमारे पास एक मैथमेटिशियन हुए यूक्लिड, और इनको बोला जाता है बच्चे फादर ऑफ ज्योमेट्री. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यूक्लिड मैन थे, दैट्स व्हाई फादर ऑफ ज्योमेट्री. अगर वुमेन होते तो मदर ऑफ ज्योमेट्री बोलते, ठीक है. तो अभी इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द ज्योमेट्री, क्योंकि इन्होंने इनिशियल में, ठीक, हमें कुछ ऐसे रिजल्ट दिए जो बहुत ही क्या थे, ज्योमेट्री के लिए सक्सेसफुल थे. और इन्हीं की ज्योमेट्री से जो हमें नाम दिया गया, हमने नाम दिया यूक्लिडियन ज्योमेट्री. यानी जो भी प्लेन फिगर्स का हम एरिया वगैरह फाइंड आउट करेंगे, ये क्या होगा, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में चले. ओके, तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आया, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है, कि उसमें ये चीजें मिली. तो मैथमेटिक्स में डेवलप होती आई, बट हम जो आज स्टडी करेंगे वो एक हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव है, हम किसी पे चलेंगे किसी दिन. अब हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में हमें यूक्लिड ने क्या दिया स्टार्टिंग में, या यूक्लिड ने हमें किन चीजों के बारे में डिफाइन कराया, तो उसके लिए स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक वर्ड पे आऊंगा, जो वर्ड हम मैथमेटिक्स में बड़ा कॉमन यूज करते हैं, एग्जाम हिस्ट्री की क्लास करेंगे हम मैथमेटिक्स में, क्या वर्ड है बच्चे, एग्जाम, याद रखिएगा क्या होता, ठीक. द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एग्जाम इज द बेसिक फैक्ट नोट करके, विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड, और वी कैन से विदाउट प्रूफ.
आर कॉल्ड एग्जाम, यानी ऐसा कोई प्रूफ जिसके लिए हमें कुछ किसी भी कोई फैक्ट, सॉरी प्रूफ नहीं, ऐसा कोई फैक्ट जिसके लिए हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती या हम उसके लिए कोई भी प्रूफ प्रोवाइड नहीं करते, तो उनको क्या बोलते हैं, हम एग्जाम बोलते हैं। कैसे? ओके, अब जैसे देखिएगा, द अजम्पशन यूज्ड थ्रू आउट इन मैथमेटिक्स विच आर ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रुथ आर कॉल्ड एग्जाम, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम मैथमेटिक्स में ड्राइव करते हैं। जैसे देखिए, अब मैंने क्या कहा, ए इज इक्वल टू सी, और सेकेंड स्टेप में मैंने क्या कहा, B इज इक्वल टू सी। अब मैं उससे एक रिजल्ट ड्राइव करता हूं, कौन सा, A इज ऑल्सो इक्वल टू B। तो ये भी हमारे पास एक यूक्लिड की क्या है, एग्जम है। क्या है बच्चे, यूक्लिड का एक एग्जम। अब आप सोचेंगे ये कितनी बड़ी बात है, ये तो मेरे को ही पता है, बट ये उसने सबसे पहली बार बताई थी। यू आर डूइंग इट नाउ, बट जो भी ये मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने ये सबसे पहले आपको बताया था, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एग्जाम। अब दूसरा क्वेश्चन आइए, दूसरे में हम ये लिखते हैं बच्चे, इफ आई से ए इज इक्वल टू बी, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लिख सकता हूं बच्चे, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। व्हाट आई एम डूइंग, मैंने जस्ट इतना सा वर्ड यहां पे यूज किया बच्चे, ठीक, ए इज इक्वल टू बी, और मैंने दोनों साइड्स में क्या ऐड कर दिया, सी और सी, यानी इफ आई एम से ए इज इक्वल टू बी, तो ये वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब आप जानते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन। बच्चे एग्जाम्स को विद एस वी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन ये है बच्चे कि इफ ए इज इक्वल टू बी, तो आई विल से ए माइनस सी इज आल्सो बी माइनस सी। तो ये भी आपके पास एक फैक्ट इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन में क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक। यानी मैंने दोनों में से इक्वल क्वांटिटी को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां टू इक्वल क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी को क्या किया, एड किया। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं इसमें आ रहा हूं, उसने कहा द थिंग्स विच आर कोइंसाइड मस्ट बी इक्वल। अब क्या होता है बच्चे, सपोज कीजिए ये इक्वल तो नहीं है, बट अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं कि अगर बिल्कुल एक के ऊपर दूसरा फोन ऐसे आ जाए, ठीक है, एक के ऊपर क्या आ जाए, दूसरा फोन आ जाए बिल्कुल सेम, तो हम उनको क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। अगर वो नहीं आ रहा, जैसे ये नहीं आ रहा, तो दे वे आर नॉट इक्वल। या हम हैंड्स की एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, हैंड्स की एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे हैंड्स बिल्कुल एक के ऊपर दूसरा आ जाए, तो दे आर कॉल्ड कोइंसाइड, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली क्या हो, इक्वल होंगे। ये भी हमारे पास इस चीज का क्या था, फैक्ट था। अब एक चीज और देखिए, एक छोटा सा एग्जाम उसने डिफाइन किया, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अब आप सोचेंगे ये तो मेरे को भी पता है, कैसे, सपोज कीजिए आपके पास ये होल क्वांटिटी है और आपने उसमें से जस्ट इतना सा पार्ट ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक मी व्हाट आई वांट टू से, दिस इज होल, जो मैंने ग्रीन पोर्शन किया, ये आपके पास होल सर्कल था। नाउ व्हाट यू हैव टेकन, अब आपने उस होल में से सिर्फ इतना सा पार्ट ले लिया, तो डेफिनेटली आप सबको पता है बच्चे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, यू नो इट वेरी वेल, कि होल जो होता है वो हमेशा अपने पार्ट से क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब आपके माइंड में होगा कि सर ये क्या बात हुई, ये तो हमें भी पता है, ठीक है, कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन
पार्ट, बट बचे ये वो थे जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम बताया, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज एग्जम। एग्जम का मतलब है इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, वी विल टेक इट इजीली। अब एक चीज और देखिएगा, व्हेन आई से ए इज इक्वल टू बी, व्हाट आई कैन राइट, 2a इज इक्वल टू 2b, ओके, a इज इक्वल टू b है तो मैंने दोनों को 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 2b होगा। अब सिमिलरली इफ a इज इक्वल टू b एंड आई डिवाइड बोथ ऑफ देम विद 2, तो फिर क्या हो जाएगा, a by 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b by 2। दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन। और ये हमारे पास क्या है बच्चे, छोटे छोटे क्या है, एग्जाम्स है। यस बच्चे, सर इसमें ये भी हो सकता है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी, a प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी। ओके, चेक करते हैं बच्चे आपके इस पॉइंट को, कैसे आपने कैसे लिया कि ये हो सकता है। जस्ट लाइक हमने पहले स्टेटमेंट लिखी थी a is equal to c and b is also equal to c। ओके ओके, a is equal to c एंड b is equal to c, तो yes, हमने क्या किया बच्चे, हमने लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड कर दिया और राइट में किसको ऐड कर दिया, राइट को ऐड कर दिया, प्लस बी इज इक्वल टू किसके हो गया, 2c के इक्वल हो गया, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो ये हमारे पास उसी एग्जाम से क्या हो रही है बच्चे, डेरिवेशंस हो, ओके। अब जैसे कोई आपको ये कह दे कि इफ आई से a इज ग्रेटर देन b, देन आई विल से b इज ग्रेटर देन c, तो लास्ट में मैं क्या बोल सकता हूँ, a इज आल्सो ग्रेटर देन c। तो ये सम काइंड्स ऑफ क्या है बच्चे, एग्जाम्स, यानी जिसके लिए हमें किसी भी प्रूफ की क्या नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने आज आपको डिफाइन ही क्या किया, क्या डिफाइन किए हैं, एग्जाम्स डिफाइन किए, ओके। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पार्ट, जब हम इसी टॉपिक में क्या आएंगे, नेक्स्ट फॉर्मेशन। तो लीजिए अब एक एग्जाम और लीजिए, हियर इज अ लाइन ए बी, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री चल रहा है, जो बच्चे नए हैं तो आप सबके लिए एक चीज और कर रहा हूं, ये बच्चे मैं डिफरेंटली स्टार्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। सपोज दैट हेयर आर द पॉइंट्स, तो व्हाट वी कैन से देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं बच्चे, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। इवन एक लाइन सेगमेंट के ऊपर भी क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन। नाउ सपोज दैट हेयर इज वन पॉइंट, और इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे देते हैं, लेट इट बी पी। नाउ व्हाट आई विल ड्राइव, my question for this p is how many lines I can draw through this p। check कीजिए कितनी lines आपके पास क्या होंगी, possible होंगी। तो there are infinite lines which are passing through a single point। ये भी बच्चे हमारे पास क्या है, एग्जाम है, ओके। फर्स्ट एग्जाम इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन ऑन लाई ऑन एनी लाइन फ्रॉम वन पॉइंट, देयर मे देयर विल पास अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक। अब एक चीज देखिए, if you have two points a and b, so how many lines you can draw which can pass through a b both। haan ji lijiye aapke liye ek question de raha hu, 1
बी टू सी थ्री एंड डी इनफाइनाइट। ए और बी दोनों में से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं साइमल्टेनियसली? चूज योर ऑप्शन। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दिए आप सबने। बट इफ आई विल राइट चेक इट, तो बच्चे जस्ट क्या होगा, एक ही लाइन ड्राउट की जा सकती है जो साइमल्टेनियसली किस में से पास आउट करेगी, ए और बी में से क्या करेगी, पास आउट करेगी। तो योर ऑप्शन इज ए, ठीक। इनफाइनाइट तो होती बच्चे, इनफाइनाइट नहीं होंगी, ए और बी में से जस्ट एक ही लाइन क्या की जा सकती है, ड्राउट की जा सकती है जब हम इनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये बच्चे कुछ क्या थे हमारे पास, एग्जाम्स थे। मैंने आपको पहले भी कहा था, इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन ओपन अप योर वीडियो, अदरवाइज सॉरी, कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं बच्चे, जो मैं सेकेंड डेफिनेशन के साथ आ रहा हूं, पास्टुलेट्स। पहले इसकी डेफिनेशन सुनिए, फिर हम आगे क्या आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, हाँ, अब हमारे पास क्या होता है कि हमने कहा था व्हाट आर एग्जाम्स, एग्जाम्स आर जनरल स्टेटमेंट, ठीक। Now I am defining postulates. So for postulates, what you can say? Postulates are the axioms related to particular field. ओके, तो क्या होते हैं बच्चे पास्टुलेट्स, क्या होते हैं, ये भी एक टाइप के क्या होते हैं, एग्जाम्स ही होते हैं, बट ये किसी डेफिनेट फील्ड के साथ क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, जैसे साइंस, मैथ, हिस्ट्री, समथिंग लाइक। तो पास्टुलेट्स आर आल्सो द एग्जाम्स बट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड। और आज अब जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो नाउ वी आर मूविंग टू यूक्लिड। हाँ, हिस्टोरिकल बताऊंगा बच्चे, यूक्लिड की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, विद मतलब कहानी की तरह बताऊंगा आपको, डेवलपमेंट ऑफ मैथ, ठीक है, जस्ट वेट दैट फॉर। एंड नाउ वी डिस्कस सम पास्टुलेट्स बाय यूक्लिड। तो सबसे पहला पास्टुलेट क्या है, पहला पास्टुलेट है बच्चे, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। अब देखिए, एक पॉइंट है आपका ए और दूसरा पॉइंट है आपका बी, तो अगर आप ए और बी पे देखना चाहते हैं, तो ए और बी के बीच में एक क्या ड्राउट की जा सकती है बच्चे, स्ट्रेट लाइन ड्राउट की जा सकती है, ठीक। क्या की जा सकती है, स्ट्रेट लाइन ड्राउट की जाती है। दिस इज द फर्स्ट पास्टुलेट ऑफ यूक्लिड। अब दूसरा, अच्छा एक चीज देखिए, जो आपकी टर्मिनेटिंग लाइन होती है, टर्मिनेटिंग लाइन मींस ए एंड बी, इसको हम लाइन सेगमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। तो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू बोथ साइड्स। तो अगर आपके पास कोई लाइन टर्मिनेट हो रही है किसी पॉइंट पे, तो मैं उसको दोनों साइड में क्या कर सकता हूं, एक्सटेंड कर सकता हूं। और आपको पता होगा बच्चे, लाइन की कोई भी क्या नहीं होती, लेंथ नहीं होती,
ठीक है, बट लाइन सेगमेंट की क्या होती है, एक डेफिनेट क्या होती है, लेंथ होती है। कम ऑन टू पॉस्टुलेट थ्री, ओके। अच्छा एक चीज और देखिए, बड़ा सिंपल सा पॉस्टुलेट है, वो कहता है सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर विद एनी रेडियस, यानी उसका कोई भी सेंटर और कितना भी रेडियस लेके हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल क्या कर सकते हैं, ड्राउट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक एग्जाम की तरह ही हो गया ना, यस वी कैन से। और लास्ट वाला देखिए, बड़ा सिंपल है, कहता है ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल, यानी राइट एंगल कैसा भी हो वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या मजाक हो रहा है, ये तो मेरे को ही पता है, बट बच्चे ही इज द फर्स्ट वन हु टोल्ड यू अबाउट द राइट एंगल्स, ठीक है, जितने भी राइट एंगल्स होंगे दे आर इक्वल, गॉट माय पॉइंट। अब एक दूसरा क्वेश्चन लीजिए, व्हेन वी से इफ टू एंगल्स आर इक्वल, सॉरी इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, तो बच्चे डेफिनेटली उसमें एक चीज होगी, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, तो उनके रेडियस ऑलवेज क्या हो, इक्वल होंगे, ओके। और दूसरी चीज, अगर रेडियस इक्वल होंगे तो दोनों सर्कल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी आपके इसी क्वेश्चन का क्या है, पैटर्न है, जिसको हम यहां पर क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। कितने पॉस्टुलेट हो गए बच्चे अभी तक जो मैंने किए, ये फोर पॉस्टुलेट्स हैं विच आर गिवन बाई यूक्लिड, ठीक। अब लीजिए नेक्स्ट वन, बच्चे अगर दो सर्कल इक्वल होते हैं, आप किसी बच्चे ने पूछा कि अगर दो सर्कल इक्वल होते हैं तो क्या उनके सेंटर भी इक्वल होंगे, तो ये तो श्योर है कि अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके सेंटर को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। इक्वल का मतलब क्या है, लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, बट अगर हम यहां पे लिखेंगे कि दिस इज आर वन एंड दिस इज आर टू, फिर तो सेंटर की लोकेशन डिफरेंट होगी, बट अगर हम एक के ऊपर एक रख देंगे तो फिर सेंटर क्या हो, सेम हो, ठीक। तो ये कुछ आपके पास क्या है, फॉर्मेट। अब जो सबसे बेस्ट यूक्लिड का पॉस्टुलेट था, जिसपे आपका पूरा लाइन एंड एंगल टॉपिक चलेगा, ठीक ठीक। अब मेरे पास एक कैंडिडेट ने लिख के भेजा है, वट इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट, ये पॉस्टुलेट नहीं होता, ये तो पास्टर होता है, चर्च वाला, ठीक है। तो पॉस्टुलेट पे आ जाइए, तो चेक इट, व्हेन वी आर डीलिंग विद फिफ्थ पॉस्टुलेट, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत अच्छा है ये पॉस्टुलेट फिफ्थ, क्या कहता है, इफ a straight line falling on two lines, देखिए आपके पास two line है और उन lines पे एक straight line क्या कर रही है, fall कर रही है, interesting। Now some interior angle will be formed, one टू थ्री एंड फोर, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। उसने बड़ा अच्छा तरीके से कहा बच्चे कि इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 और सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180, तो क्या होगा बच्चे, अगर आपके इंटीरियर एंगल का सम मोर देन 180 है तो आप इन लाइंस को कितना भी एक्सटेंड कर लो, ये कहीं पे भी क्या नहीं करेंगे, मैच नहीं करेंगे। बट इफ योर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, तो अगर आप उनको एक्सटेंड करते जाओगे तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके डेफिनेटली क्या कर जाएंगे, मीट आउट कर जाएंगे। ये हमारे पास क्या था,
कौन सा पॉस्टुलेट था? फिफ्थ पॉस्टुलेट था. ओके, और एक चीज इसमें और बड़ी इंटरेस्टिंग है, शायद आप ये भी जान गए होंगे कि अगर इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा, तो लाइंस विल नेवर मीट, और इन लाइंस को हम फिर क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइंस. ये हमने इसकी क्या की थी, बाद में एक्सटेंशन की थी. ये पहले वाला इसी तरह का था. ओके, कि ऑन विच साइड द लाइन विल मीट, द एंगल इज लेस देन 180, ऑन विच साइड द लाइन विल नेवर मीट, जहां पे आपका सम क्या होगा, मोर देन क्या होगा, 180 होगा. तो याद रखिएगा ये क्या है, पॉस्टुलेट्स है. और इस पॉस्टुलेट्स के बाद हमने बहुत सारे क्या रिजल्ट ट्राई किए. ठीक, अब इसके बाद आइए नेक्स्ट जो मेरे पास डेफिनेशन आ रही है बच्चे. मैं बार बार बोलता हूं स्टेटमेंट. चलिए, आप में से कोई बच्चा डिफाइन करेगा, व्हाट डू वी मीन बाय स्टेटमेंट? एनीवन? कोई भी? यस सर, स्टेटमेंट मीन्स लाइक अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिटन इन वर्ड्स. चलिए, मे बी ये भी हो सकता है बच्चे, बट इन मैथमेटिक्स जनरली व्हाट वी कॉल अ स्टेटमेंट. ओके, देखिए आप कह सकते हैं स्टेटमेंट इज एनी सेंटेंस, फ्रेज और एनीथिंग एल्स और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. अब इसका रियल रीजन देखिए, आइदर फॉल्स और ट्रू, बट नॉट बोथ. अब देखिए क्या होगा, जिस सेंटेंस को रीड करने के बाद आप ये बोल दें कि ये ट्रू है, वो भी स्टेटमेंट. जिस स्टेटमेंट को आप ये बोल दें फॉल्स है, वो भी स्टेटमेंट. बट जो रीड करके आपको ये लगे कि क्या बोलूं, ट्रू बोलूं या फॉल्स बोलूं, तो वो क्या नहीं होती, स्टेटमेंट नहीं होती. जैसे अभी मैं लिख रहा हूं लाहौर इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश. देखिए आप सबको रीड करके पता चल गया होगा कि ये क्या है, फॉल्स है. तो दैट मींस ये क्या है, स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको रीड करके क्या पता चल गया कि ये फॉल्स है. नाउ इफ आई एम राइटिंग दिस 4 + 9 = 6, तो आप लिखेंगे ये तो फॉल्स है, सर को इतना मैथ भी नहीं आता, मुझे 13 होता. ओके, तो अब फिर आप कहेंगे कि ये क्या है, क्लियरली फॉल्स, और क्लियरली फॉल्स है तो यू विल से दिस इज अ स्टेटमेंट. गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं शट द डोर. चलिए, जिनको ये लगता है कि ये स्टेटमेंट है वो ए प्रेस करेंगे, जिनको लगता है ये स्टेटमेंट नहीं है वो बी प्रेस करेंगे. हियर इज द पोल. ए फॉर यस, बी फॉर नो. ओके, तो हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चे. आई एम शेयरिंग द रिजल्ट. हम इंडियन ऐसे हैं कि अगर हमें पहले आंसर भी बता दे भी ये इसका आंसर है तो भी हम डिवाइड हो जाए. ठीक है, अब चेक कर लीजिए 35-58%. बट एनी हाउ बच्चे, इस स्टेटमेंट को रीड करके हमें कुछ नहीं पता कि इज इट ट्रू और फॉल्स. ठीक,
जितने भी ऑर्डर होते हैं, रिक्वेस्ट होती है, साइन ऑफ क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, या ऐसा कह लीजिए कि जिन भी एक्सप्रेशंस को हम इस तरह से देखते हैं, ठीक है, जो फीलिंग से रिलेटेड से होते हैं, तो वो हमारे पास क्या नहीं हो सकते, स्टेटमेंट कभी नहीं होते। जैसे हम कहें ही इज वेरी हैंडसम, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक। He is great, ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं, ठीक। तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं होती, ओके। She is very beautiful, ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं। जिस स्टेटमेंट के, जिस सेंटेंस के पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग गया, तो वो भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, यानी जिसके बारे में आप श्योरली कुछ नहीं बोल सकते, ठीक, तो वो स्टेटमेंट नहीं है। अब एक देखिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब फिर से, शंकर इज टॉल, क्या ये स्टेटमेंट है? चलिए फिर से, ए के लिए यस और बी के लिए नो। ओके, चलिए सी द पोल। अब जो ए वाले हैं, उनके मोहल्ले में जितने भी शंकर रहते हैं वो सारे टॉल है, उनको लगता है यस इट इज ट्रू। अब जो बी वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारे मोहल्ले में जितने भी शंकर रहते हैं वो सारे टॉल नहीं है। और एक देखिए, एक पर्सन ने सी प्रेस किया हुआ है, अब उसका आंसर ये है कि मेरे मोहल्ले में तो कोई शंकर ही नहीं है, तो हाउ आई नो दैट, ठीक है। तो अब आपको बच्चे ये चेक करना है कि हम ये यूनिवर्सल नहीं कर सकते, किसी, जो आप किसी शंकर को जानते हैं हो सकता है वो टॉल हो, मैं किसी शंकर को जानता हूं वो क्या हो सकता है, टॉल नहीं हो सकता। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि दिस इज ट्रू और फॉल्स, और वी कैन से ये ट्रू भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। और चलते चलते मैं लास्ट में आऊंगा एक ऐसी चीज पे जिसको हम डिफाइन करते हैं, थ्योरम, या बहुत यूज करोगे, अ स्टेटमेंट which required proof। देखिए without proof क्या होता है, एग्जम होता है, और जिस चीज के लिए हमें प्रूफ देना पड़े उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसके लिए हमें क्या देना पड़े, प्रूफ देना पड़े उसके। अब एक, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, आप अभी करेंगे भी और हो सकता आपने कर भी लिया हो, कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, 1, 2 एंड 3। ये एक थ्योरम है, क्योंकि मैं इसको बाद में क्या करूंगा, प्रूव करूंगा, ओके। उसके बाद आइए, समझ लग गया ना, तो एनी स्टेटमेंट विच रिक्वायर्ड प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम। अब एक चीज और आता है बच्चे, अगर आप मैथमेटिक्स की फॉर्म की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा, क्रॉलरी, ठीक, मैथमेटिक्स में भी हम यूज करते हैं। पता नहीं आपको किसी ने बताया आज नहीं, बट आप सुन लीजिए, रिजल्ट deduced from theorem is called corollary, okay। अगर हम किसी theorem से कोई result बनाते, मान लीजिए आपको कोई theorem दी गई और आपने उस theorem का क्या बनाया, result बनाया, और उस result को जब आपने बनाया और उस result को हम mathematically क्या define करेंगे,
कॉरोलरी के साथ डिफाइन करें. रिजल्ट डिड्यूस्ड फ्रॉम थ्योरम इज नोन एज कॉरोलरी. ओके, तो ये थी हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री का सम बेसिक फैक्ट्स. कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको मैथमेटिक्स रीड करने के लिए आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी. गॉट इट? तो आज के लिए इतना. हाँ, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड?